यार वीडियो को ज्यादा सीरियसली मत लेना, थोड़ी कॉमेडी भी है और थोड़ी इमोशनल भी है वीडियो। पहले तो वो कल हिमांशी खुराना जी का ट्वीट तो आपने सबने पढ़ ही लिया, वो क्या है, कैसे उन्होंने क्या सिंपति गेन कर रहे हैं वो। अभी मैंने एक वीडियो देख लिया यार, गलती से मैं देख रहा था वीडियो, मैंने देखा पारस भाई और माहिरा लोगों को खाना बांट रहे हैं। यार ये वही पारस माहिरा हैं जो एक लड़की के पीछे ऐसे पड़ गए थे ना, जैसे दुनिया उसने इनके घर बर्बाद कर दी हो, जैसे घर में मेरी भैंस खोल के नहीं ले जाता कोई, जैसे शहनाज इनकी भैंस खोल के ले गई हो। और ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है कि बंदे हमें यूं सोचे हम कितने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो है बड़े दिल वाले लोग हैं। और ये दिल्ली की राजनीति है, पारस भाई बहुत अच्छे से जानता है ऐसे कैसे सिंपति गेन करी जाती है। बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात है यार, खाना डोनेट कर रहे हैं अच्छी बात है, मैंने वो बोलता। लेकिन एक बात बताऊं, कैमरे की जरूरत नहीं होती इन चीजों के लिए। मैं खुद 20,000 से 30,000 रुपए अपना खर्चा कर चुका हूं, हमारे बगल में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, खूब खाना बांटे, आज तक कभी कैमरे का यूज नहीं किया, मेरी सोशल नेटवर्क साइट पे कोई भी देख लेना कोई वीडियो नहीं डाली आज तक, जाते हैं खाना देके चुपचाप आ जाते हैं, क्योंकि इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आकांक्षा दीदी कहाँ हो तुम, ये वीडियो आकांक्षा को जरूर टैग करना, अभी लौंडे की जेब में माल है, जो भी 10-20 लाख रुपए खर्चा करा है ले लो, सीधी बात है, पता ना चले सारा उड़ गया पैसा, उड़ गया पैसा, निकल गई धूल, हो गया मूल। आकांक्षा को जरूर वीडियो टैग करना, पैसा लो यार आकांक्षा इस पे, पारस भाई पे जितना तुमने पैसा खर्चा किया है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने हक का पैसा है, आपने भी तो पैसा मेहनत से कमाया था ना, लो अपना पैसा, सीधी बात है मैं तो बोलता हूँ। और भाई गुस्सा इसलिए है ना, पारस और माहिरा ने जो शहनाज के साथ किया है ना, बिचारी ने कुछ इनका किया नहीं और उसके कैरेक्टर को लेके इतना डिफेम किया, इतना डिफेम किया, इतना डिफेम किया उसको। तो वीडियो को शेयर कर देना और टैग कर देना आकांक्षा को, पारस को और माहिरा को भी टैग कर दो, सबको टैग कर दो, सिद्धार्थ शहनाज को उनका कोई मतलब नहीं, चलो आई लव यू फोटो, सबको पता ही है मैं शहनाज सिद्धार्थ का फैन हूँ सबसे बड़ा। और हिमांशी खुराना जी फेम नहीं मिल रहा क्या, चलो छोड़ो, लव यू।